जगतगुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने नरसिंहपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने महाराज श्री के जन्मोत्सव पर गरीब मेधावी छात्रों के लिए नई सौगात दी, जिसमें आईटीवी नेटवर्क और जस्टिस तनखा फाउंडेशन की ओर से 21 बच्चों को टैबलेट्स बांटे गए। इस दौरान उनसे बात की इंडिया न्यूज़ के सहयोगी आकाश तिवारी ने, जिसमें उन्होंने फर्स्ट इन क्लास के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। कल हम लोगों ने पूरे देश में 1,00,000 मेधावी बच्चों और जो शहीदों के बच्चे हैं, कोविड में जो माँ बाप हैं उनके बच्चे हैं, पुलिस जो बच्चे में कहते हैं उनके बच्चे, इस प्रकार से वो मेधावी चाहते हैं जो जिसे बांटते हैं, ऐसे 1,00,000 बच्चों को हम लोग मदद करेंगे इस देश में। और क्योंकि आज पहला दिन है, पहले अनाउंसमेंट के बाद तो हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे महाराज जी के नाम पे हम लोग 1,000 बच्चों की मदद करते हैं और आज उसके लिए हम 20 लोगों को टैग देते हैं। सर, बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई से तो पूरा देश परेशान है, क्या कहने की बात है। अगर महंगाई होती तो हर आदमी परेशान होता है, पेट्रोल के दाम, खाद्यान्न के दाम, हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इनफैक्ट आसमान छू रहे हैं। सर, एक सवाल और, मुख्यमंत्री जी ने अभी जुए सत्ता का कारोबार प्रदेश में आने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जुआ सत्ता इसलिए आ नहीं सकता क्योंकि उसमें खाली स्टेट नहीं, सेंटर का भी हस्तक्षेप होता है। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार के वक्त विरोध हुआ था इनके और ये तब खत्म किए गए, अब इनको फिर से लॉ बनाना पड़ेगा। अब लॉ बनाने में उनको कई बाधाएँ दूर करनी पड़ेंगी, तो वो ईजिली नहीं हो सकता, वो चाहेंगे भी तो ईजिली। सर, जैसा कि किसान सरकार हितेशी बताती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो तो बताएंगे क्योंकि वो उनका चुनाव लड़ना है, मगर अब कुछ भी बोल लें इस वक्त उनकी स्थिति खराब है, चीज़ें उनके पास में नहीं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी कर से कोहिमा सब जगह एक ही वातावरण है सरकार के, तो हमको इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस इलाके इसको कहते हैं कि देखो, स्वतंत्रता संग्राम से जो आपका इतिहास है, लोगों की सेवा है, उसी इतिहास को फॉलो करो, बेस्ट चीज़ें खुद अच्छी होती। कहा जाता है कांग्रेस गुटों की राजनीति करती है। गुट तो सब जगह होते हैं, क्या बीजेपी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है उसमें गुट आ जाते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग देश की राजनीति, हम लोग देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं देश यूनाइटेड रहे, समाज संगठित रहे, झगड़े के साथ मन नहीं हो, तो यही कांग्रेस का एक मूल उद्देश्य है।